अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि जेनोम मेमोरी क्राफ्ट 6000 मॉडल जो है उससे हम चुनट किस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस बटन को हमने देख लेना है, इसको हमने फुल कर देना है। नॉर्मली ये सिलाई के लिए हमारा 2 या फिर 3 के दरमियान होता है, तो इसको हमने फुल, जो इसका पॉइंट है 9 तक इसके पॉइंट होते हैं, इसको हमने फुल कर देना है। उसके बाद ये हमारा प्रेशर एडजस्ट करने का बटन है, इसको भी हमने टाइट कर लेना है फुल। और अगर ज़रा से चुनट सही ना आ रहे हो, हम बना के देख लेंगे, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ढीला भी कर सकते हैं, वैसे इसको हमने टाइट करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है हमारे पास एक और बटन है, हमारे टांके को बड़ा करने वाला, टांके की लेंथ को बढ़ाने वाला, ये नीचे वाला बटन है, इसको हम ऑन कर लेंगे। एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और इसको भी हमने फुल कर लेना है। नॉर्मल सिलाई के लिए ये 2 to 3 पे होता है, तो हमने यहाँ पे फुल करके 5 पे कर लेना है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं तो खुद ब खुद ही इसमें चुनट बनते जाएंगे। ये देखिएगा जी, अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ इसमें कितने बहुत ईजी और अच्छे से इसमें चुनट आ गए हैं। ये देखें, बिल्कुल भी हमें अब धागे खींचने का झंझट नहीं होता। नॉर्मली इस तरह के चुनट बच्चों के फ्रॉक्स या बड़ों के फ्रॉक्स में डाले जाते हैं, तो ये इस तरह से अब हम इजीली मशीन से चुनट बना सकते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।